उकलाना में दिल दहला देने वाली घटना के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने उकलाना का दौरा किया है। राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। सर, आपने मौके का मुआयना किया है, पीड़ित परिवार से मुलाकात किया, क्या कुछ सामने आया है? परिवार बहुत गरीब है और बहुत जघन्य अपराध हुआ है। हम इसमें पुलिस के साथ मिलकर नैरो डाउन कर चुके हैं इंक्वायरी को और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा जो भी अक्यूज है। लगातार पुलिस ये बात कह रही थी कि 48 घंटों के भीतर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी कुछ नाम सामने नहीं आ पाए हैं, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। नाम तो हैं, हमारे पास भी आ गए हैं, पर कुछ गलत न हो जाए उस कारण से उनको पिन पॉइंट नहीं किया है। नाम हमारे पास भी आ गए हैं, पूरा डिटेल है हमारे पास, मतलब करीब करीब पकड़ लिया गया है ये समझ लीजिए। राजकुमार जी, 60 के करीब लोगों से आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन की गई, स्टार्ट की गई, अभी नैरो डाउन किया जा रहा है और आप ये मान रहे हैं कि अभी लेस देन 10 तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम मेन तक भी पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस घटना को लेकर फेल्योर किसका है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या वो वाजिब है? इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना, उसको लेकर क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? घटना बहुत सीरियस है, बहुत गलत है, परंतु इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि परिवार किसी का भी नाम नहीं ले रहा है। वही सबसे बड़ी अड़चन थी, क्योंकि पुलिस किसको ढूंढे, पूरा ब्लाइंड मर्डर था, तो जो कर सकते थे टेक्निकलिटी को लेकर ही उसमें काम किया जा सका है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर पुलिस की तरफ से जो कुछ किया जाना चाहिए था, क्या वो किया गया? वो किया गया, कंटिन्यूअस में टच में था पुलिस के साथ। सैटरडे जैसे ही ये घटना हुई मेरे पास फोन ऑलरेडी आ गया था, तुरंत मैं एसपी हिसार के साथ टच में था, हम कंटिन्यूअस काम कर रहे थे। परिवार की राहत की अगर बात की जाए तो किस तरह की राहत अब तक दी गई है, क्या कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखी गई? राहत में कमी है, क्योंकि परिवार गरीब है, उनके पास टॉयलेट की सुविधा अभी भी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और शेडिंग वगैरह की नहीं थी, क्योंकि लोग आएंगे वहाँ, एक डेथ हुई तो वहाँ पर कल जैसे बारिश हो गई, शेडिंग भी नहीं थी। वो जरूर कुछ कमियां हैं, वो हम देख रहे हैं कि तुरंत कर दी जाए। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर भी आप सवाल उठा रहे थे कि परिवार को अभी तक कोई डॉक्टर तक देखने नहीं आया। हाँ, क्योंकि मेरे सामने ही एक वृद्ध महिला बेहोश हो गई थी, परिवार की जो दादी थी, वो मैंने कहा है कि इसको तुरंत ठीक करें और परमानेंट मेडिकल ऑफिसर यहाँ रहे कोई। ये जो इनपुट की बात की जा रही थी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स, क्या वो तमाम कोशिशें अब ये मान लिया जाए कि रंग लाने वाली हैं? हाँ, रंग लाने वाली। कितना इंतजार और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कितने घंटों के भीतर खुलासा कर दिया जाएगा? आज या कल। चलिए, अभी इस परिवार के लिए और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, आप कुछ सिफारिश जरूर करेंगे कि फौरी राहत किस तरीके की दी जाए? इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर की हम ऑलरेडी अभी सिफारिश कर चुके हैं, और किसी को जॉब तो देनी ही पड़ेगी, डिपेंडेंट जो इनका है वो मैं प्रयास कर रहा हूँ, और बाकी मेडिकल सुविधा और फाइनेंशियल SC ST एक्ट वाला अलग है और 10 लाख रुपए वो मिल रहे हैं वो अलग है। चलिए, अनुसूचित जाति आयोग को ये यकीन है कि जल्द से जल्द मासूम की हत्या के आरोपी जो है उनका खुलासा हो जाएगा, पुलिस उन्हें जग जाहिर कर देगी, जो तफ्तीश है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है, उसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए काफी सारी राहत की बात यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से की जा रही है और जल्द से जल्द वो राहत दिलवाई जाएगी। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, उकलाना, हिसार।